स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने टेक द प्लंज जो है उसकी डिस्कशन स्टार्ट की थी एंड वी हैव लिमिटेड आवर आउटलुक और डिस्कशन ऑन थ्री बेसिक पॉइंट्स. फर्स्ट वन वाज अबाउट राइटर, सेकंड वन वाज अबाउट द ग्राफिक डिटेल्स और द स्टेजेस विच द राइटर हैज़ एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग हर पैराशूट जंपिंग, एंड द थर्ड वन वाज हर फीलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर द पैराशूट जंपिंग. तो हमने राइटर के बारे में पढ़ लिया था पिछले लेक्चर के अंदर, उसके पर्सनालिटी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था दैट शी वाज अ वेरी वीक एंड टिमिड सॉर्ट ऑफ अ वूमन. और इवन गिवन इतनी वो टिमिड बुजल थी और वीक थी कि दैट इवन शी वाज अनएबल टू ड्राइव अ कार विद कॉन्फिडेंस, कि एक कार भी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चला सकती थी. एंड वाइल ड्राइविंग अ कार शी ऑलवेज फेल्ट दैट ऑल द कार्स वर गोइंग टू स्ट्राइक हर. जब भी वो कार चलाती तो उसे ऐसे लगता कि तमाम के तमाम गाड़ियां जो हैं वो अब उसको जो है वो हिट करने वाली हैं, आकर उसे टकराने वाली हैं. तो वो उसका जो पर्सनैलिटी थी वो एक बहुत ही टिमिड उसकी नेचर थी. तो ऐसी एक औरत जो है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही जो है वो टिमिड है और वो बहुत जिसके अंदर करेज नहीं है, जो वीक है, उसने डिसीजन लिया डेट शी विल गो फॉर पैराशूट जंपिंग. तो पैराशूट जंपिंग जब वो जाने लगी तो पीपल मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक बनाया और बहुत से लोगों ने उसको एडवाइज़ किया डैट शी शुड एबॉलिश दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ थॉट और थॉट ऑफ हर्स, कि वो अपने इस आइडिया या थॉट को जो है वो छोड़ दे. क्यों? उन्होंने कहा जी या तो आप अपने आप को बिजली की तार में फंसवा लेंगी या फिर आप जो है वो अपनी हड्डियाँ तोड़वा बैठेंगी. तो इन अ वे पीपल जो है लोग जो थे इर्द गिर्द उसके उन्होंने उसका मजाक बनाया. लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ऑड डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस ऑड्स शी वेंट फॉर पैराशूट जंपिंग. तो पैराशूट जंपिंग उसके तीन स्टेजेस बेसिकली जो है वो राइटर ने हमें बताए हैं अपनी पैराशूट जंपिंग एक्सपीरियंस के. फर्स्ट वन इज़ ऑपरेशन, सेकंड वन इज़ डिसेंट एंड थर्ड वन इज़ लैंडिंग. ऑपरेशन क्या है कि जब वो पैराशूट को जब वो चलाने मीन्स कि जब वो पैराशूट को चलाती है, जब वो पैराशूट के पहन कर पूरा सूट और किट जो है वो पहन कर जब वो चलती है तो उसको क्या कहते हैं, पैरा ऑपरेशन. दूसरा क्या है, डिसेंट मीन्स के फॉलिंग का जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम दी एयरप्लेन सेस्ना 180 जो उस जिसको जिसके ऊपर वो जिसको जिस उसने बोर्ड किया था उससे जो है वो नीचे गिरने का जो अमल है, उससे जो फॉल करने का अमल है उसको क्या उसने कहा, डिसेंट. एंड द फाइनल वन इज द फाइनल स्टेज ऑफ हर एक्सपीरियंस इज लैंडिंग, ज़मीन पर उतरना. तो ये तीनों एक्सपीरियंस जो है, ये तीनों स्टेजेस जो है, ये बेसिकली दे आर लिंक्ड टू द फीलिंग्स. कौन कौन सी फीलिंग्स के बिफोर पैराशूट जंपिंग, ड्यूरिंग पैराशूट जंपिंग एंड आफ्टर पैराशूट जंपिंग. तो फीलिंग्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीलिंग्स बिफोर पैराशूट जंपिंग. तो जैसे ही आपको पहले बता दिया है कि लोग जो है उसका मजाक बना रहे थे और सब उसको जो है वो डरा रहे थे और उसको कह रहे थे कि अपना आप ये आइडिया जो है वो छोड़ दें, तो उसकी जो फीलिंग्स थी वो बेसिकली क्या थी, फियर, टिमिडिटी, नर्वसनेस. बहुत ही नर्वस थी. जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जब उसने अपना पैराशूट किट पहनी या पैराशूट जंपिंग का सूट पहना तो वो मूव नहीं कर पा रही थी, वो बेंड नहीं हो पा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, घबराई हुई थी. तो ये उसकी फीलिंग्स थी बिफोर पैराशूट जंपिंग, जो कि रिलेटेड है कौन से स्टेज के साथ, ऑपरेशन के साथ. कि एट द स्टेज ऑफ ऑपरेशन तो वो क्या थी, बहुत नर्वस थी, फेयरफुल थी, टिमिड थी. अच्छा, ड्यूरिंग क्या हुआ, जब उसने स्टेज ली डिसेंट की, फॉल की, तो अब उसकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज होने लगी. देर वॉज अ ट्रांजिशन इन हर फीलिंग्स. ट्रांजिशन क्या था, फ्रॉम टिमिडिटी टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि खुद एतमादी की तरफ जो है वो मूव करने लगी. एंड शी बिगन टू इन्जॉय, अब वो इन्जॉय करने लगी सारे एक्सपीरियंस को. कैसे इन्जॉय करने लगी, रिमेनिंग इन द एयर, जब उसकी बॉडी सस्पेंडेड थी इन द एयर, कि जब वो हवा के अंदर उसकी बॉडी है तो वो उस चीज़ को इन्जॉय करने लगी. वो एंडलेस स्काई को, स्काई की जो लिमिटलेस स्काई है उसको जो है वो इन्जॉय करने लगी. रेनबो उसके कलर्स जो है उसको इन्जॉय करने लगी. तो अब क्या है, फेयर और टिमिडिटी और नर्वसनेस से वो किस तरफ मूव कर रही थी, टुवर्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, टुवर्ड्स हैप्पीनेस. एंड फाइनली एट आफ्टर द पैराशूट जंपिंग उसकी जो फीलिंग्स थी वो क्या हो गई, जॉय, हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. देखिए स्टार्ट में क्या था, उसकी फीलिंग्स फेयर थी, टिमिडिटी थी, नर्वसनेस थी, अब उसकी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो गई है.
अब उसकी फीलिंग्स क्या हो गई हैं, जॉय, हैप्पीनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस अब उसके अंदर खुद एतमादी आ चुकी है। उसकी जो नर्वसनेस थी वो चेंज हो चुकी है एक्साइटमेंट के अंदर, उसके जोश के अंदर। जो नर्वसनेस बिफोर पैराशूट जंपिंग थी, अब वो फीलिंग किस में चेंज हो चुकी है, एक्साइटमेंट के अंदर। और अब लोगों ने क्या है, नाउ पीपल बिगन टू एडमायर हर, लोग उसकी तारीफ करने लगे। लोग इस पैराशूट जंपिंग की वजह से उसकी जो इज्जत थी, जो रिस्पेक्ट थी, वो लोगों की नज़रों में पड़ गई। देखिए ना, एक ऐसी औरत जो बहुत ही ज़्यादा टिमिड है, वीक है, जिसके अंदर करेज नहीं है, जो बोल्ड डिसीजंस नहीं ले सकती, और वो एक ऐसा डिसीजन लेती है विच सीम्स इम्पॉसिबल फॉर हर। इम्पॉसिबल किस लिहाज से, उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को देख के इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर टू गो फॉर पैराशूट जंपिंग। बट फाइनली शी टेक्स अ डिसीजन, वो एक फैसला लेती है, और जब वो उस फैसले से पहले भी जब वो फैसला ले लेती है एंड व्हेन शी गो फॉर द एक्शन, तो वो पहले घबराई हुई होती है, नर्वस होती है, खौफ के आलम में होती है, टिमिडिटी जो है वो उसको ओवरवेलम किए हुए होती है। लेकिन जब वो उस एक्सपीरियंस से गुजर जाती है तो क्या है, शी फील्स जॉय, शी फील्स हैप्पीनेस, शी फील्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो खुद एतमादी की तरफ मूव करती है। पहले क्या है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और अब क्या है, वो उसका लोग उसको इज्जत दे रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉडर्न एसे के अंदर जहाँ राइटर की बायोग्राफी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके साथ साथ जहाँ हमारे लिए उसकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है, वहाँ ये ट्रांजिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं विच सीम्स इम्पॉसिबल फॉर यू, जो कि आपके लिए नामुमकिन हो, और आप ऐसा काम कर लेते हैं, तो ना सिर्फ वो आपको जॉय और सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, बल्कि आपकी इज्जत भी जो है वो लोगों की नज़रों में बढ़ जाती है। सो इट इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जो अपने फेयर्स हैं, जो हमारे चीज़ें जिनसे हम घबराते हैं, जो चीज़ें हमें नर्वस करती हैं, तो हमें उन चीज़ों को जो है वो ओवरकम करना चाहिए, हमने उन चीज़ों को फेस करना चाहिए टू अचीव हैप्पीनेस, टू अचीव रिस्पेक्ट। सो डैट इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडर्न एसे, टेक द प्लंज। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अ न्यू मॉडर्न एसे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।